हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता'स किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ मसूर दाल की सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी को बनाइए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो जब भी कोई घर में सब्जी ना हो या कुछ अलग खाने की इच्छा करे तो इस सब्जी को ट्राई करना। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे मसूर की दाल को भिगो के रखा है 2 घंटे से। और इधर मैंने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसाले में रेगुलर मसाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो धनिया, जीरा, काली मिर्च, 2 प्याज, लहसुन और अदरक लिया है और 1 टमाटर लिया है। तो इन सभी का हमें पेस्ट बना लेना है। और हरी मिर्च और लहसुन लिया है, इसको मैं दाल के साथ पीसूंगी। तो दाल को हम मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, लहसुन और मिर्च को भी इसके साथ ही हम डालकर पीस लेंगे थोड़ा से पानी के साथ। और देखिए, मसालों का पेस्ट भी रेडी है, टोमेटो पेस्ट और जो जिंजर गार्लिक वाला पेस्ट है लहसुन। तो और इधर मैंने दाल का भी पेस्ट बना लिया है। तो डाला है उसमें हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और सभी चीज़ को आपस में हम अच्छे से मिला लेंगे और बस रेडी है। तो इधर लिया है मैंने एक तवा। तवा पे हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और जो हमने पेस्ट बनाया है दाल का वो हम अच्छे से मिलाने के बाद हम इस पर देखिए इस तरह से हमें बनाना है। तो अच्छे से हम फैला लेंगे तवे पर इस पेस्ट को और थोड़ा मोटा रखेंगे, जैसे चीला बनाते हैं उस तरह से हमें बनाना है और थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से एक तरह से फैला लिए हैं और इसे एक तरफ से पकने देंगे, फिर पलट देंगे। तो थोड़ा सा और तेल लेंगे और ऊपर से डाल देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको सेक लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है फ्रेंड्स और बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से सीख चुका है, हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं इसको। तो ये सीख चुका है तो हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ही, आप चाकू से भी काट सकते हैं लेकिन ऐसे ही काटने में सुविधा होती है और अच्छे से कट भी जाती है। तो देखिए इस तरह से हमें पीस में कट लेना है, जैसे बर्फी काटते हैं उस तरह से हम इसे काट लेंगे। और ऐसे ही हम अपने सारे चीलों को, जितना भी हमने दाल का पेस्ट बनाया है सभी को हम इसी तरह से बना लेंगे और ये फिर अलग अलग हो जाता है। तो इसी तरह हम सारे बैटर को बना लेंगे और देखिए जो हमने कट किया था उसे हम बस अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से बनेगा और सारे को बना लेना है। तो इधर मैंने ग्रेवी के लिए लिया है कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, जीरा डाला है और 2 लाल मिर्च और तेज पत्ता ऐड करेंगे और डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं और स्वाद बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और इस प्रोसेस को करने में हमें आँच जो है वो धीमी रखनी है। और ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर और जो हमने अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, धनिया का पेस्ट बनाया है रेगुलर मसाला वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे मीडियम आँच पर। सो फ्रेंड्स देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है। हम ऐड कर देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो नमक अच्छे से देखकर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने चीले में भी डाला है। और डाल दिया है मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट,
इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और इसमें ऐड करेंगे हम पानी, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि जो दाल है वो पानी सोख लेता है। तो देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो उबलने लगा है। तो 2 मिनट उबलने के बाद हमने जो ये दाल का जो चीला तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे बस बॉईल करेंगे और बस हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्ज़ी को ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए। तो ऊपर से हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।